हे लवर्स, कैसे हो? क्या वो भी तुम्हारी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती? और तुम इस बात को लेकर थोड़ी से परेशान हो कि क्या कमी है ऐसे मुझ में कि वो मुझसे बात नहीं करते? मैं तो इतना हॉट इम्प्रेसिव हूँ, फिर भी वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? शायद ना उसका कहीं चक्कर होगा, वो कहीं फंसी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर सुंदर लड़की या फिर हर लड़की जो है किसी ना किसी लड़के से फंसी ही हो। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल की लड़कियां बहुत चूजी होती हैं, वो बहुत जल्दी किसी से कमिटेड नहीं करती। वो बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं, वो पहले उसे देखेगी ना। तो इसीलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो कि सारी लड़कियां कहीं ना कहीं फंसी होती हैं। वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है कि तुम्हारा इंटरेस्टेड बातें ना करना। सिंपली खाना खाया, सोया, यहाँ गया, वहां गया, यही सारी चीजें होती है ना। या फिर तुम बहुत सारी डिटेल्स पूछने लगते हो। तुम कहाँ से हो, तुम क्या करती हो, तुम कहाँ जाती हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा ये अच्छा है, वो अच्छा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी कोई प्राइवेट पिक दो ना, जिसे मैं देख देख के अपनी आंखें सेकू। ये चीजें करने लगते हो, उसे स्टॉक करने लगते हो। ये चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस कंडीशन में वो तो रिप्लाई करेगी ही नहीं, और दूसरी बात तुम्हें ब्लॉक भी कर सकती है। नेक्स्ट है कि रॉन्ग टाइम पे मैसेज करना या फिर डायरेक्टली वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करना। देखो, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, अगर उसे बात करनी है तो वो करेगी ना यार। वो तुम्हें खुद बोलेगी मुझे प्राइवेटली कॉल करो या फिर ये मैं तुम्हें वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल करूँ। इतना इंटरेस्टिंग और चार्मिंग क्रिएट, कुछ क्यूरियोसिटी तो जगाओ उसके मन में कि मुझे इस बंदे में कुछ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इससे बात करूं। ऐसा ही होता है कि डायरेक्टली वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल कर देते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। बिजी टाइम पे कॉल करना बंद करो, जब फ्री टाइम होता है। ऑलवेज ये देखा गया है कि शाम का समय जो है फ्री टाइम पे होता है, तो फिर रात या शाम के समय कॉल कर सकते हो, मीन्स मैसेजेस कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है कि ऑलवेज अवेलेबल रहना। ये क्या जरूरी है कि वो मैसेज करे, इसके लिए तुम उसे देख देख के रहते हो कि कब वो ऑनलाइन आए, और तुम जैसे ही वो ऑनलाइन आती तुम उसे मैसेज कर देते हो। अरे यार, कभी उसको भी तो मौका दे कि वो तुम्हें मैसेज करे। इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें आगे छोड़नी होती है। अगर उसे बात हो रही है तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हाफ या कुछ ऐसे बात करो जो उसे दिल पे टच हो जाए, या फिर थोड़ा फ्लर्टनेस, थोड़ा सा फ्लर्टी होना भी जरूरी है, रोमांटिक होना भी जरूरी है। रोमांटिक बंदे को लड़कियां जल्दी चांस देती हैं, तो कुछ ऐसी बात करो जो उसे तुमसे हुक करके रखे। नेक्स्ट है बोरियत। अगर आप अपनी प्रोफाइल में अगर अपनी चार्मिंग पिक्स अपलोड नहीं करते ट्रैवलिंग की, इधर उधर की, तो उसे लगेगा ये बंदा सिर्फ घर में रूम में बैठ के रहता है, इसके पास ना कोई करियर ऑप्शन है ना कुछ। क्योंकि जब भी तुम मैसेजेस करते हो किसी लड़की को या फिर फॉलो करते हो, तो सबसे पहले वो देखती है तुम्हारा पूरा बायोडेटा, पूरा आपका जो आपकी जो आईडी है उस पर अच्छे से चेक करके हर एक फोटो को एनालिसिस करती है कि बंदा करता क्या है, क्या कैसा इसका स्टेटस है। तो कुछ चीजें जो होती है ना, वो दिखाने के लिए होती है, अपना स्टेटस, अपना अगर पैसा भी है जो, बिकॉज के पैसे से भी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, पर्सनैलिटी, आप क्या करते हो, वो सारी चीजें अपनी जो प्रोफाइल है उस पर अच्छे से दिखाया करो। नेक्स्ट कि वो जानती है कि तुम उस पे मरे जा रहे हो, इसलिए वो थोड़ा सा भाव खाती है, एटीट्यूड दिखाती है। तो इस चीज के लिए भी वो तुमसे बात या फिर रिप्लाई जल्दी नहीं करती। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि वो किसी से ऑलरेडी कमिटेड है। जब वो कमिटेड है और सीरियस रिलेशनशिप में है, तो तुम चाहे उसे कितना भी मस्का लगाओ, कितनी भी उसकी तारीफें करो, वो पटने वाली नहीं है। इसलिए उसका पीछा करना छोड़ दो। यार, खुद को इतना भी क्यों गिराना? जहां बात बनने वाली नहीं है, ताल गंदी गलने वाली नहीं है, वहां सीटी क्यों बजाना? इसलिए आगे बढ़ो ना, कोई अच्छी मिल जाएगी। अपना टाइम किसी वैल्यूएबल पर्सन को दो, खुद को बनाने में दो। किसी के पीछे से दो मिलाने से कोई फायदा नहीं है। जो जिंदगी में आनी होगी वो आ ही जाएगी। जिसे साथ निभाना होगा वो साथ निभाएगी, जिसे प्यार लुटाना होगा वो प्यार लुटाएगी। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा अपने दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर बात करनी है तो मैं भी बात कर सकती हूँ आपसे। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे, बातें कर सकते हो मुझसे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।